तो हेलो दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर के बारे में। देखिए, हमारे पास यहाँ अपने अराउंड बहुत सारी एयर है, लेकिन हमें ना दिखती नहीं है। अभी प्रॉब्लम ये आती है कि दिखती नहीं है। अभी मैं आपको एक छोटा सा डेमो देता हूँ। मेरे पास है वैक्यूम क्लीनर और यहाँ पे मेरे पास वैक्यूम बैग है। ये एक बैग्स मिलते हैं ऑनलाइन, मैंने मंगवाए हैं। तो इसमें क्या है, अगर हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं, इसमें से एयर सक कर लेंगे, एयर इसमें से खींच लेंगे, तो इसका हाल देखते हैं कैसा होता है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे एक असिस्टेंट की जरूरत पड़ेगी। तो समर आएंगे आप और मेरी हेल्प करेंगे। ओके, तो हम इसको पैक करने वाले हैं और ये देखेंगे। तो हमारे पास ये बैग है, इसको मैं टाइट करता हूँ ताकि इसकी जो एयर है वो लीक ना हो जाए। ओके, और ये मेरा। अब हमने इसको सील बंद कर दिया और यहाँ पे हम देखते हैं कि वैक्यूम से ये क्या असर पड़ेगा इस पे। ओके, प्लीज वैक्यूम ऑन करें। तो आप इसको देखिए, अब हमने इसमें से एयर सक कर ली है, अब वैक्यूम बन चुका है, इसमें अभी एयर नहीं है। तो हालत देखिए, ये हम खरीदते हैं टेडी बियर, ये एयर के बिना ये हाल है। और अगर लेज में से एयर निकाल दें तो क्या होगा, आप खुद देख सकते हैं। तो ये हमने किया है और अगर हम इसमें ओपन कर दें तो अब देखिए, हमारे आसपास एयर है, अभी हमने वैक्यूम क्रिएट किया है और यहाँ पे है लो प्रेशर, यहाँ है हाई प्रेशर। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, जरा सा भी ओपन करता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से ओपन करता हूँ तो एयर देखना किस तरह से भागती है और एयर अंदर जाती है। और ये देखिए, आप आवाज़ सुन पा रहे होंगे, ये देखो एयर जो है वो अंदर जा रही है लगातार। ये जा रही है, देखिए अब ये एयर इसके अंदर जा रही है लगातार। और ये देखिए, वापस से एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने अपनी जगह ले ली। इससे प्रूव होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक एयर हर जगह पर है और इसके अंदर भी एयर थी। अब हमने भाई साहब ये समझना है कि वैक्यूम और एयर हर जगह पे है और किस तरह से हमने उसको रिलेट करना है। एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पे वैक्यूम, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर चीज अपने आप जाती है। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें और यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच।